नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। मैं हूँ शालू वर्मा। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक और नई शख्सियत से, जिनका नाम है आरुषि। और ये थापर यूनिवर्सिटी में बीटेक की सेकंड ईयर की स्टूडेंट हैं और काफ़ी अच्छी डांस परफॉर्मर भी हैं। इन्होंने कॉलेज में कई फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया है, डांस फंक्शंस में, और ये हमेशा टॉप रही हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनकी डांस में रुचि कैसे बनी और इन्होंने डांस कैसे शुरू किया। तो सबसे पहले वेलकम आरुषि, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने डांस की शुरुआत कैसे करी। मैम, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरे टीचर मुझे बोलते थे कि आप ना मिरर के आगे खड़े होकर डांस करो। तो मैं क्या करती थी कि टीवी चैनल्स देखती थी एंड उनको कॉपी करने की कोशिश करती थी एंड मिरर में के सामने खड़े होकर घंटों घंटों डांस करती थी। एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा मोटिवेट करा है, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कराया है। तो मैंने कभी एज सच डांस क्लास नहीं ज्वाइन करी। उसके बाद मैंने अपना डांस करियर मतलब एट स्टैंडर्ड से स्टार्ट करा। वहाँ पर हमारे स्कूल में टीचर्स आते थे एंड दे टॉट मी, तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस एंड इट्स टू गुड। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मैं मतलब खुद से ज़्यादा बड़ी, मतलब अगर आपको कुछ भी अगर इंटरेस्ट डेवलप करना हो तो खुद से मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी हमें हर चीज़ खुद से ही स्टार्ट करी थी। तो बच्चों को डांस क्लास क्यों ज्वाइन करवानी चाहिए, क्या उनका मोटिव होना चाहिए, आप उस बारे में हमें बताइए। हाँ जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ये स्टेटस सिंबल बन चुका है डांस। तो मतलब हर किसी को डांस तो आना ही चाहिए, नहीं तो बेइज्जती जैसी लगती है आजकल, ऐसा ऐसी बात है। बट अपार्ट फ्रॉम दी, मैनी मतलब इसकी बहुत बेनिफिट्स भी हैं। ये मतलब हमें फिट रखती है एंड हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी हमारा हिडन टैलेंट है हम उसे निकाल के अब शोकेस कर सकते हैं। मतलब खुद अब हम किसी भी चीज़ में आ गए तो हम उसमें एक्सेल कर सकते हैं। दैट्स इट। ओके, वैसे भी आजकल पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हर एक्टिविटी में आगे आए। हाँ। और रियलिटी शोज वगैरह को देख के तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि हमारा बच्चा भी आगे जाए, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है चाहे डांस कॉम्पिटिशन हैं, तो हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाए। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल के बच्चों को या पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को डांस के बारे में आगे बढ़ाएं, डांस में बढ़ाएं, उनकी रुचि बनाएं। वैसे तो हम अपनी हॉबीज़ के लेवल पे ही हम जो हमारे अंदर रुचि हो जिस चीज़ को उसको हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन डांस के बारे में आप हमारी आगे की जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे। आजकल के पेरेंट्स काफ़ी कुछ समझते हैं अपने बच्चों को, तो दे मतलब वो अपने बच्चे के इंटरेस्ट को समझते हैं, तो अपने आप ही वो अपनी क्लासेस उनको ज्वाइन कराते हैं एंड हर फील्ड में एक्सेल कराते हैं। तो दर्शकों, आज सबसे अच्छी बात जो आरुषि ने हमें ये बताई कि जब हमारे मन में इच्छा हो ना कुछ सीखने की, तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद मेहनत करके उसको सीख सकते हैं। सबसे अच्छी शिक्षा आज हमें दी है आरुषि ने, और बहुत अच्छी जानकारी दी है कि डांस एक सिर्फ डांस ना होकर एक एक्सरसाइज भी है जो हमारे बॉडी को फिट रखती है, और इसे हम अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं, अपना करियर भी बना सकते हैं। तो दर्शकों, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।